स्टूडेंट्स हाउ आर यू होप यू आर फिट एंड फाइन आज हम करेंगे क्लास टू एन सी आर टी इंग्लिश लेसन द सन एंड द विंड आज हम इसकी फुल एक्सरसाइज करेंगे साथ ही साथ हम कुछ रिमिंग वर्ड्स भी करेंगे और कुछ अपोजिट वर्ड्स के बारे में भी जानेंगे लेट्स स्टार्ट द लेसन द विंड एंड दन दिस इज द लेसन ऑफ क्लास टू एन सी ई आर टी इंग्लिश यूनिट थ्री फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू टारगेट लर्निंग आउटकम्स की टारगेट लर्निंग आउटकम्स क्या हैं हमारे इस लेसन से हमें क्या सीखने को मिलेगा फर्स्ट स्टूडेंट्स विल बी एबल्ड टू नो अबाउट सन एंड विंड बच्चों को क्या सीखने को मिलेगा सन विंड के में बारे में सीखने को मिलेगा यानी कि सन क्या होता है विंड क्या होती है ठीक है एस यू एन सन डब्ल्यू आई एन डी विंड ठीक है इसके बारे में सीखने को मिलेगा सन आपको पता है जो आकाश में चमकता है सूरज विंड आपको पता है तेज तेज बहती है जब हमें अच्छी लगती है जब बहुत पसीने आ रहे होते हैं ठीक है तो वो क्या होती है हवा विंड नेक्स्ट क्वालिटीज ऑफ सन एंड विंड सन की और विंड की सूरज की और हवा की क्या क्या क्वालिटीज़ है सूरज बहुत तेजी से चमकता है बहुत गर्मी हो जाती है और विंड जब हवा जब तेज चलती है तो ठंड हो जाती है राइमिंग वर्ड्स राइमिंग वर्ड्स के बारे में जानेंगे कि जिनके पीछे जब हम बोलते हैं तो पीछे की प्रोनाउंसिएशन सेम होती है जैसे सन ठीक है एस ओ एन सन टी ओ एन टन मैन एम एन मैन वी एन वैन ठीक है हम अपोजिट वर्ड्स के बारे में जानेंगे अपोजिट यानी उल्टा जैसे आप हिंदी में करते हो ना अपोजिट वर्ड्स ठीक है विपरीतार्थक उसी तरह से हम इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं अपोजिट वर्ड्स अपोजिट जैसे ब्लैक वाइट अप डाउन सिट स्टैंड इस तरह से लेट्स स्टार्ट द लेसन विथ एक्सरसाइज फर्स्ट इज क्वेश्चन वन वट डिड द विंडो टू गेट द मैं कोट ऑफ आंसर इज द विंड बिगेन टू ब्लो हार्ड टू गेट द मैंस कोट ऑफ कि व्यक्ति का कोट उतारने के लिए विंड ने क्या किया विंड ने व्यक्ति का कोट उतारने के लिए ज़ोर जोर से बहुत तेजी से बहुत तेज चलना बहना शुरू किया सेकेंड क्वेश्चन इज वट डिड द सन डू टू गेट द मैंस कोट ऑफ सूरज ने व्यक्ति का कोट उतरवाने के लिए क्या किया द आंसर इज द सन शोन शोन मिस चमकना शाइन से बनाए होट टू गेट द मैंस कोट ऑफ कि आदमी का कोट उतरवाने के लिए सूरज ने तेजी से चमकना शुरू किया और बहुत गर्मी देनी शुरू की नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वन इन द एंड आखिर में किसकी जीत हुई आंसर इज द सन वन इन द एंड हमने स्टोरी में देखा क्लास में कौन जीता था सन जीता था वो तेजी से चमका था गर्मी बहुत ज्यादा हो गई और पसीना आने पर व्यक्ति ने कोट उतार दिया नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन फोर हु सेट दिस टू हूम ये शब्द किसने किसको कहे थे आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन मैं तुमसे ज्यादा जल्दी से उसका कोट उतरवा सकता हूँ एंड द आंसर इज विंड टू सन किसने कहे थे विंड ने हवा ने सन को सूरज को कहे थे नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कोल्ड इट इज कितनी ज्यादा ठंड है ये शब्द किसने किसको कहे थे मैं टू हिमसेल्फ व्यक्ति ने अपने आप को ही ये शब्द कहे थे कि कितनी ज्यादा ठंड है नेक्स्ट इज आई गिव अप आई कैन नॉट गेट टू गेट हिज कोट ऑफ अब मैं छोड़ती हूँ बंद करती हूँ मैं उसका कोट नहीं उतरवा सकती ये शब्द किसने कहे थे विंड टू सन विंड ने हवा ने सूरज को कहे थे नेक्स्ट इज आई हैव वन मैं जीत गया हूँ ये शब्द किसने कहे थे लास्ट में कौन जीता था यस सन जीता था सन टू विंड सूरज ने हवा को ये शब्द कहे थे नेक्स्ट इज आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट मैं तुम्हें पहले ट्राई करने के लिए दूंगा कि पहले तुम कोशिश कर सकते हो ये शब्द किसने कहे थे सन टू विंड सूरज ने हवा को ये शब्द कहे थे ठीक है बच्चों, स्टोरी आपको अच्छे से समझ आ गई है उसके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन कर रहे हैं रोहन ट्राइज टू स्नैच गीताज़ न्यू बुक फ्रॉम हर रोहन जो है गीता की न्यू बुक जो है नई पुस्तक उससे छीनना चाहता है स्नैच मतलब छीनना जब कोई अपनी मर्जी से नहीं देता और दूसरा जो है उस चीज़ को पाना चाहता है तो जोर ज़बरदस्ती करता है तो उसे हम कहते हैं स्नैचिंग वट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट थिंग टू डू चूज एन आंसर आप क्या सोचते हो इनमें से बेस्ट थिंग क्या है एक आंसर आपको चूज करना है और आपको कारण भी बताना है कि आपने ये आंसर क्यों चूज़ किया है गीता रंसवे विधर बुक गीता अपनी बुक के साथ भाग जाए गीता 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 फाइट्स विद रोहन 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 के साथ फाइट करे टू रोहन, रोहन से बातचीत करे गीता क्राइज इन ए कॉर्नर गीता एक कोने में जाकर रोने लग जाए आपको इसके लिए आप ऐसा क्यों सोचते हो ये भी बताना है तो इसमें देखिए हम क्या चूज करेंगे गीता टाक्स टू रोहन द बेस्ट थिंग टू डू वुड बी डैट गीता टाक्स टू रोहन गीता रोहन से बात करें आई फील सो बिकॉज बाई टॉकिंग शी कैन मेक रोहन अंडरस्टैंड दैट ही शुड नोट स्टैच बुक फॉर ओमर बातचीत करके वो रोहन को समझा सकती है कि वो उससे बुक ना छीने बाकी सभी ऑप्शन जो हैं अच्छे मैनर्स को नहीं बताती नेक्स्ट इज फाइंड अ राइमिंग वर्ड फ्रोम द स्टोरी फॉर ईच ऑफ दीज वर्ड्स इन सभी वर्ड्स के लिए आपको जो है राइमिंग वर्ड्स बताने हैं बन होल्ड बोट फैन अब इनके जो है हम राममिंग वर्ड्स लिखेंगे बन सन बी यू एन बन एच यू एन सन होल्ड एच यू एल डी होल्ड सी ओ एल डी कोल्ड बोट बी ओ ए टी बोट सी ओ ए टी कोट फैन एफ एन फैन एम ए एन मैन ठीक है ये राइमिंग वर्ड्स हैं इनके लास्ट के वो जो है एक दूसरे से मैच करती है प्रनाउंसिएशन सन्नी फन्नी, एस यू डबल एन वाई सन्नी एफ यू डबल एन वाई फन्नी कुछ और जो है हम वर्ड्स करेंगे राइमिंग वर्ड्स फर्स्ट इज कैन फैन सी एन कैन एफ एन फैन सेकेंड इज़ टाइनी टी आई एन ई शाइनी एस एच आई एन वाई शाइनी काइंड के आई एन डी काइंड एम आई एन डी माइंड स्वीट एस डब्ल्यू डब्ल यू टी स्वीट टी डब्ल्यू डब्ल यू टी ट्वीट मैन एम ए एन मैन वी एन वैन गो जियो गो एसओ सो ये सभी क्या हैं राइमिंग वर्ड्स हैं नेक्स्ट इज चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स बिलो एंड फिल द ब्लैंक्स आपको फिलअप करने हैं कुछ वर्ड्स हमें दिए हैं पुल्ड टुक ब्लू फेल्ट वांटेड स्टार्टेड पुल्ड टुक ब्लू फेल्ट वांटेड स्टार्टेड ठीक है वन डे द विंड एंड द सन है डे कम्पिटिशन एक दिन विंड और सन के बीच में क्या था कम्पिटिशन था दे टैस्ट टू मेक ए मैन टेक ऑफ हिज कोट उन्होंने जो है क्या किया वो चाहते क्या थे कि व्यक्ति का कोट जो है उतर जाए तो इसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे वाटिड ठीक है फर्स्ट द विंड डैश पहले विंड ने क्या किया बहुत तेजी से चली थी तो क्या हो जाएगा ब्लू हार्ड ठीक है विंड क्या हुई थी ब्लू हुई थी ब्लू मतलब चलना हार्ड तेजी से ठीक है द मैन डैश इज कोट टाइटली अराउंड मैन ने क्या किया अपने कोट को अपने चारों ओर टाइटली पुल कर लिया खींच लिया पुल्ड ठीक है सन डैश शाइनिंग हार्ड तब सन ने क्या करना करना शुरू किया तेजी से चमकना शुरू किया स्टार्टेड ठीक है क्या आएगा स्टार्टेड द मैन डैश होट एंड ही मैन को क्या लगी गर्मी लगी तो हम क्या लिखेंगे फेल्ट एफ ई एल टी ठीक है फेल्ट एंड ही डैश ऑफ हिज कोट और उसने क्या कर दिया अपना कोट उतार दिया तो क्या आ जाएगा टुक ऑफ ठीक है नंबर सिक्स क्या जाएगा टी डबल ओ के टुक टुक ऑफ हिज कोट एक बार दोबारा से फर्स्ट इज वांटेड सेकंड इज ब्लू थर्ड पुल्ड फोर्थ स्टार्टेड फिफ्थ फेल्ट एंड सिक्स्थ टुक नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ राइट द अपोजिट ऑफ अब हमें क्या लिखने हैं अपोजिट लिखने हैं गुड टॉल हार्ड ब्लैक तो हम इनके आंसर लिखते हैं गुड बैड बी ए डी बैड टॉल शॉर्ट एस एच ओ आर टी शॉर्ट हार्ड सॉफ्ट एस ओ एफ टी सॉफ्ट ब्लैक वाइट ठीक है एक बार हम दोबारा से करते हैं गुड बैड टॉल शॉर्ट हार्ड सॉफ्ट ब्लैक वाइट ठीक है नेक्स्ट आते हैं अब हम नेक्स्ट अपोजिट वर्ड कुछ और हम करते हैं अपोजिट वर्ड्स ठीक है फर्स्ट आता है हमारे पास हाई लो एल ओ डब्ल्यू लो टाइनी ह्यूज एच यू जी ई ह्यूज काइंड क्रूअल क्रूअल मतलब काइंड मतलब दयालु क्रूअल मीन्स जो दयालु ना हो जो बहुत ज़्यादा जालिम हो बहुत ज़्यादा करता हो जुल्म करता हो ठीक है मीठा, खट्टा, भी लिख सकते हैं, कड़वा एसलीप सोना अवेक ए डब्ल्यू ए के अवेक जागना मॉर्निंग सुबह जी इवनिंग शाम नेक्स्ट लुक एट दिक्चर्स एंड कम्प्लीट दर्ड्स इन द पजल अब आपको इनको देखना है इनको देखने के बाद जो है आपको जो है ये देखिए ये हमारी पिक्चर है यहाँ पे हमें जो है एक मैन दिखाया है ठीक है ये हमें एक कोट दिखाया है ये हमें सन दिखाया है ये हमें विंड दिखाई है तो पहले हम इसको लिख लेते हैं सॉरी ये हमें मैन दिखाया है ये कोट दिखाया है थर्ड इज सन एंड फोर्थ इज विंड ठीक है ये हमें दिखाए हैं अब इनको देखिए हमें फिल करना है यहाँ पर हमें इस तरह से फिल करना है फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा ए एन लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ से हम क्या ले लेंगे एम एम एन मैन अब यहाँ पे देखिए ओ ए लिखा हुआ है तो यहाँ से हम क्या लेंगे सी एन टी सी ओ ए टी कोट अब यहाँ पे देखिए सन सन में हमें सन दिया हुआ है एन दिया हुआ है तो क्या ले लेंगे हम यू ठीक है विंड में हमें डब्ल्यू दिया हुआ है डी दिया हुआ है यहाँ पर ठीक है तो हम क्या कर लेंगे एन हमें दे रखा है हम डी को लेंगे आई को लेंगे ठीक है डी आई ठीक है सन एंड विंड ये हमारा हो जाएगा देखिए किस तरह से ये देखिए यहाँ पे हमने फिल किया है इसको इस तरह से स्मैन कोट सी ओ टी कोट सन ठीक है ये हमारे चारों फिल हो गए ये हमारी एक तरह से क्रॉसवर्ड पजल होती है जिसको हमें इस तरह से फिल करना होता है उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपको जो है एक एक्ट करना है उसके लिए अलग अलग तरह के आपको क्या करने हैं मास्क बनाने हैं और मास्क के ऊपर आपको टू सेंटेंसेस लिखने हैं कोई भी टू सेंटेंसेस लिख सकते हो हम लिखते हैं यहाँ पे टू सेंटेंसेस फर्स्ट हम लिखते हैं द सन मास्क इज ब्राइट इन येलो कलर द सन मास्क इज ब्राइट येलो इन कलर एंड सेकेंड इज इट इज राउंड इन शेप एंड हैज थिन ट्राइंगल्स अराउंड इट्स बॉर्डर्स रिप्रेजेंटिंग सन रेज ठीक है आप कुछ भी लिख सकते हो दैट इज योर विश अपनी इच्छा से एज यू वांट नेक्स्ट हमारे पास आता है लेट्स रीड एंड आंसर फर्स्ट इज a big wind a big wind is blowing look the leaves are flying the wind can blow trees down it can blow houses down my house is old will it come down ये हमें एक छोटी सी पोएम दी थी इसी के अकॉर्डिंग हमें जो है यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बताने हैं क्या ट्रू होगा और क्या फॉल्स होगा द विंड कैन ब्लो डाउन ए हाउस क्या विंड जो है एक हाउस को ब्लो डाउन कर सकती है ये देखिए ये लिखा हुआ है द विंड कैन ब्लो डाउन ए हाउस तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं इसको टिक कर सकते हैं ठीक है उसके बाद सेकेंड आता है द विंड कैन ब्लो डाउन ए फील्ड यहाँ पर फील्ड के बारे में तो कुछ नहीं है तो हम क्या कर देंगे क्रॉस द विंड कैन ब्लो डाउन ए चाइल्ड चाइल्ड के बारे में भी कुछ नहीं बताया गया दैट इज ऑल्सो क्रॉस द विंड कैन ब्लो डाउन ए ट्री ट्री के बारे में हमें बताया गया है ये देखिए लुक द आर फ्लाइंग द विंड कैन ब्लो ट्रीज डाउन ठीक है ट्रीज के बारे में बताया गया है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे ट्रू उसके बाद है द विंड कैन ब्लो डाउन ए रिवर रिवर के बारे में हमें कुछ नहीं दिया है नदी के बारे में तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा क्रॉस तो फर्स्ट हमारा टिक हो गया सेकंड क्रॉस थर्ड जो विंड है हवा घर को गिरा सकती है फील्ड को खेत को नहीं उड़ा सकती बच्चे को नहीं गिरा सकती ट्री को गिरा सकती है रिवर को नहीं उड़ा सकती ठीक है गिरा सकती ये हमारा लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है अब हम इसकी वेल्यूएशन करेंगे इवैल्यूएशन में हमें जो है छोटे छोटे से कुछ क्वेश्चन करने हैं मेक ए फेस मास्क को विंड आपको विंड का एक फेस मास्क बनाना है सेकेंड राइट एंड राइमिंग वर्ड्स आपको दस राइमिंग वर्ड लिखने हैं थर्ड इज राइट एंड अपोजिट वर्ड्स आपको टेन अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए शिरजा एजुकेटर्स थैंक यू वेरी मच स्टे